आज के इस कलयुग में खून के रिश्तों पर भी यकीन करना मुश्किल हो गया है, जहां अपने ही खून के प्यासे बनकर घूम रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे बेटी की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसकी कहानी सुनकर हर माँ को गर्व होगा। ऐसे बेटे को अगर कलयुग का श्रवण कुमार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बेटा जोधपुर का निवासी है और सारण नगर में रहता है। बेसी में पढ़ रहा राम सिंह अपने माँ के जन्मदिन पर माँ को गिफ्ट देने के लिए कुछ ऐसा कर जाता है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, बेटा हो तो ऐसा। 5 साल के बच्चे ज्यादातर चॉकलेट और खिलौने के शौकीन होते हैं और वो अपने पैसे भी इन्हीं चीजों पर खर्च करते हैं। लेकिन राम सिंह अपने माँ को इतना प्यार करता है कि वो अपनी माँ के लिए बचपन से ही पैसे जोड़ता था। करीब 12 साल में उसने 13,500 रुपए के सिक्के भी इकट्ठे कर लिए थे। फिर क्या था, माँ के जन्मदिन पर राम सिंह ने माँ को महंगा गिफ्ट देने का मन बनाया। उसने न्यूज़पेपर पर फ्रिज का एड देखा तो सोचा माँ के लिए इससे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है। उसने उस फ्रिज के शोरूम में कॉल लगाया और फिर शोरूम के मालिक से फ्रिज खरीदने की बात कही, लेकिन ये भी बताया कि उसके पास पेमेंट करने के लिए सिर्फ सिक्के हैं। ये सुनकर एक बार को तो शोरूम मालिक को भी झटका लगा, लेकिन जब उसकी पूरी बात सुनी तो शोरूम मालिक ने सिक्के में पेमेंट लेने को हाँ कर दिया। इसके बाद राम सिंह एक बोरे में करीब 35 किलो के सिक्के लेकर शोरूम पहुंच गया। रुपए फ्रिज की कीमत से 2000 कम निकले, लेकिन बेटे के प्यार को देखकर मालिक ने उसको 2000 का डिस्काउंट तो दिया ही, साथ ही उसे तोहफे भी दिए। बच्चा था, उसने सुबह कॉल किया मेरे को, तो अंकल मेरे पास कुछ सिक्के हैं, मैं अपनी मम्मी को फ्रिज देना चाहता हूँ, गुल्लक में कुछ, आप सिक्के लेंगे क्या? मैं कहा बच्चा, मैं इतने सिक्के, कितने सिक्के तेरे पास में? गुल्लक है, हमने सोचा 2-3 हज़ार रुपये होंगे बच्चे के पास में, तो लेके आ जाऊँ क्या? मैं आ जा भाई लेकर के। फिर शाम को 5 बजे बच्चा आ गया, सिक्के लेकर आया इकट्ठा भर के, 35 से 40 किलो करीब वजन, उसके फादर साथ थे। मिलते सिक्के तो उस बच्चे ने बताया, अभी 5 साल की उम्र से आज तक सारे इकट्ठे किए थे सिक्के हैं, और उसकी मदर का बर्थडे अगले महीने में, उनको गिफ्ट करना चाहता है। तो बच्चे की भावना अच्छी थी, तो लगा ले ले यार, क्या करा, वो है तो पैसा ही, कोई दिक्कत नहीं उसको। वो 15,500 का फीस था बल्ब फुल का, बच्चे के पास में 13,500 रुपये थे, हमें 2,000 डिस्काउंट कर दिया उसको, फिर बच्चे को गिफ्ट दे दिया, बच्चा बड़ा खुश होकर गया यहाँ से। फिर बच्चे की सोच थी सबसे बड़ी सोच, तो वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है, उसी को देखते हमने लिया कि बच्चे की अच्छी सोच थी। वो सिक्के चले, पैसा है चले जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके चला लेंगे, क्या दिक्कत है। अब जरा आप राम सिंह के माता पिता को अपने बेटे पर कितना गर्व है ये सुनिए। मात्र की ममता का सुख भोगना, देवताओं भी समय समय पर यहाँ जन्म लिया और मात्र ममता की सुख की प्राप्ति की। लेकिन आज के जमाने की बात करें तो कलयुग के अंदर बच्चे अपने माता पिता का नहीं सोचते हैं। लेकिन हम आज आपको जोधपुर के एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जिसने 5 साल की उम्र से जो भी परिवार से उसको खर्ची के पैसे मिलते थे, उन पैसों को इकट्ठा करके उसने अपनी माता के लिए फ्रिज गिफ्ट में लिया और अपनी माता जी को जन्मदिन पर वो गिफ्ट उनको उपहार पर दिया है। राम सिंह जी, ये सोच कहाँ से आई आपकी? पहले तो आपने जो 5 साल की उम्र से पैसे इकट्ठा कर रहे थे वो आपने इकट्ठा किए और फिर एक फ्रिज के लिए सोचा, क्या था? सर ऐसा था कि हमारे घर में जो माहौल है वो बेहद अच्छा है, माता पिता से हमें अच्छी शिक्षा मिली है कि हमेशा अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, बच्चों को भी समय आने पर अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तब मैंने सोचा कि जो पैसे मेरे पास इकट्ठा हुए थे, जो मैं बहुत पहले समय से इकट्ठा कर रहा था, पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं फ्रिज लेके आऊँगा, लेकिन जब हमारा पुराना फ्रिज ख़राब हो गया था और मेरी मम्मी रोज़ कहते थे कि नया फ्रिज लाना है, नया फ्रिज लाना है, तो अब मैंने सोचा कि जब नया फ्रिज लाना ही है और मेरे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना मैं अपनी मम्मी के लिए अपने पैसों से ये चीज़ लेके आऊँ और अपना कुछ फ़र्ज़ है जो पूरा करने की कोशिश करूँ, जिसे मैंने पूरा करने की कोशिश की है। ये फ्रिज मैंने ख़रीदा और अपनी माता जी को गिफ्ट किया। कैसा लग रहा है आपको एक फ्रिज? बहुत अच्छा लग रहा है, माता पिता को बच्चा लग कर रहा नहीं अच्छा लगता, बच्चे को तो करते ही, माँ बाप को तो फर्ज है तो बच्चों करो, बच्चों करे नहीं, बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है ना। और ऐसा होना चाहिए, हर बच्चे को इसे सीख लेनी चाहिए,
कि ज़्यादा खर्च नहीं करके मनी सेव करे और समय आने पे उसका सदुपयोग करे। समय आने पे जो पैसे होते हैं उनका सदुपयोग करना, और सबसे बड़ी बात है जो भारत की संस्कृति सिखाती है कि अपने माता पिता की सेवा करना, जो यहाँ पे जोधपुर में राम सिंह के परिवार में झलक रही है। जोधपुर से News24 लोकेश के आदमी।